आचरण, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं। बदलाव चाहती है, वो जानती है सब झूठी बातें हैं, असत्य बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर खुद। तो अब सबको मालूम है कि जो पहले बोलते थे विश्वास करते थे इनके ऊपर, वो विश्वास खत्म हो गया। अडानी अबानी आ गए तो सीबीआई को पूछताछ मोदी से करनी चाहिए, भाई आपको कहाँ से मालूम पड़ा बताइए, आप बताइए, आप बयान दीजिए जिससे कि हम केस को आगे बढ़ाए। अम्बानी अडानी के खिलाफ केस है, उस केस को आगे तब बढ़ेगा तब प्रधानमंत्री खुद बयान देंगे। प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इन तीनों एजेंसियां जो छापे डाल रही पूरे मुल्क के अंदर, अब उनके लिए एक अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री खुद बोल गए हैं और अडानी अम्बानी का नाम ले लिया है। राहुल जी लगातार उनके अटैक कर रहे हैं, वो कहते हैं राहुल जी ने बोलना बंद कर दिया, वो तो बात झूठी साबित हो गई है। अब तो अडानी अम्बानी की बात तो बाद की बात है, उनके पूछताछ बाद में होगी, पहले मोदी जी होनी चाहिए। मेरे घर तो आ चुकी है, सब जा रही है, ठेका गिराने ठेका दे रखा है लोगों ने, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जितने इन्होंने ऐसे काम किए जो कि लोकतंत्र के विरोध में थे, अब वो सब इनके गले की घंटी बन रही है, मोदी जी के, बीजेपी खुद के। और इस बार सरकार बदलेगी ये आप निश्चिंत मांगे चले, ऐसा माहौल बन चुका। और अभी हमारे साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मौजूद हैं, जो अमेठी के प्रभारी भी हैं, और उनसे हम बात करते हैं। अभी वो संगठन की मीटिंग उन्होंने ली है और उनसे हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनका आगे का प्लान है। जी अशोक जी, स्वागत है आपका डीबी लाइव पर, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी आपने संगठन की मीटिंग यहाँ पर आपने ली है और आप लगातार कल से लोगों से बात कर रहे हैं, आपको प्रभारी बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है, अगर क्या राहुल गांधी भी यहाँ से लड़ रहे होते या प्रियंका गांधी लड़ रही होती तब भी क्या आपको प्रभारी बनाया जाता, तब भी आपको क्या इतनी मेहनत करनी पड़ती? ये तो चुनाव जनता ही लड़ रही है यहाँ पे, अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने संकल्प कर लिया है, खुद आगे आ गई है और बहुत भारी बहुमत से केएल शर्मा जी जीतेंगे। जी, केएल शर्मा जी के लिए किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? हमारी बहुत अच्छा माहौल है, हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने सोच समझ के एक कार्यकर्ता को जो लंबे अरसे तक यहाँ पर सेवा कर रहा है, सब कुछ जानता है, कार्यकर्ताओं को भी, आगे जनता को भी और पूरे क्षेत्र वाकिफ भी हैं, ऐसा अगर व्यक्तित्व चुनाव जीतता है, चुनाव के बाद में यहाँ की जनता को भी, कार्यकर्ताओं को भी, उनसे मिलने में, अपनी समस्या बताने के अंदर, उनके सुख दुख में काम आने में, और जो विकास होना है उसके लिए जनता क्या चाहती है उनको पूछ करके, जो राहुल गांधी जी कहते हैं जनता को पूछ करके आप आगे बढ़ो, उस ढंग से यहाँ पर काम हो पाएगा। तो ऐसा मौका आया यहाँ पर कि हमने जैसे ही नाम आउट हुआ इनका, पूरे मुल्क में एक मैसेज गया कार्यकर्ताओं में भी, एक कार्यकर्ताओं को टिकट मिल सकता है मेरे से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका। क्या ये जो परिवारवाद का इल्जाम कांग्रेस पर लगता रहा है, कि ये उसका जवाब है क्या? देखिए अभी ये बातें पीछे चली गई है, अब तो सरकार बदलने की बातें होने लग गई है, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मोदी जी कुछ कहे, उनके नेता कुछ भी बात कहे, आरोप लगाए, जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो दौर खत्म हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो लगातार कह रहे हैं कि बाबरी ताला लगवा देंगे आप, 370 वापस आ जाएगा, आप एक भैंस खोल कर ले जाएंगे, दो मकान है तो एक आप ले जाएंगे, अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, ट्रकों में और बोरियों में आपको, ऑटो और बोरियों में आपको पैसे मिल रहे हैं, ये तमाम चीजें जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, खुद स्मृति ईरानी भी कह रही थी कि आप जिताइए हमें, अगर नहीं जिताया तो मंदिर पे फिर से ताला लग जाएगा, तो इन तमाम चीजों का जवाब आप कैसे दे? इसी बात को ले रहा था, आप कह रहा था जो भी आपने की बात गिनाई है ना, इन बातों का अब अवश्य खत्म हो गया पब्लिक के अंदर, पब्लिक बदलाव चाहती है, वो जानती है सब झूठी बातें हैं, असत्य बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर खुद। तो अब सबको मालूम है कि जो पहले बोलते थे विश्वास करते थे इनके ऊपर लोग, वो विश्वास खत्म हो गया। अडानी अबानी आ गए तो सीबीआई को पूछताछ मोदी से करनी चाहिए, भाई आपको कहाँ से मालूम पड़ा बताइए, आप बताइए, आप बयान दीजिए जिससे कि हम केस को आगे बढ़ाए। अम्बानी अडानी के खिलाफ केस है, उस केस को आगे तब बढ़ेगा तब प्रधानमंत्री खुद बयान देंगे। तो प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इन तीनों एजेंसियां जो छापे डाल रही पूरे मुल्क के अंदर, अब उनके लिए एक अच्छा मौका आया कि प्रधानमंत्री खुद बोल गए हैं और अडानी अम्बानी का नाम ले लिया है,
राहुल जी लगातार उनके अटैक कर रहे हैं, वो कहते हैं राहुल जी ने बोलना बंद कर दिया, वो तो बात झूठी साबित हो गई है। अब तो अडानी अंबानी की बात तो बाद की बात है, उनके पूछताछ बाद में होगी, पहले मोदी जी होनी चाहिए बोल। मोदी जी बताए भाई कि मुझे यहाँ मालूम पड़ा है, इसलिए बाद में बोली है। ये राहुल गांधी जी की आपको मालूम है कि उन्होंने कहा भाई महिलाएं पर अत्याचार हो रहा है बाल जोड़ यात्रा के अंदर, तो दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर दिया राहुल जी पे कर दिया। उनके घर पुलिस पहुंच गई पूछने के लिए, बताओ आपने कहा क्या सुना, क्या क्या सुना आपने। वही बदलावियां होती है। सतपाल मलिक जी थे वहां पे गवर्नर, उन्होंने कहा मेरे पास 120 करोड़ रुपए का ऑफर आया था, कोई बिजली घर का कोई पावर का मामला था, उनके केस मुकदमा दर्ज हो गया, उनके ऊपर हो गया है, शिविर चली गई घर पे। अभी आपके घर पर भी आ चुकी है? मेरे घर तो आ चुकी है, सब कहीं जा रही है। सरकार घिराने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने, मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र जितने इन्होंने ऐसे काम किए जो कि लोकतंत्र के विरोध में थे, अब वो सब इनके गले की घंटी बन रही है, मोदी जी के बीजेपी खुद के। और इस बार सरकार बदलेगी ये आप निश्चिंत मान के चले, ऐसा माहौल बन चुका है। गहलोत जी ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा का जब चुनाव हुआ तब आपने कहा कि हमारी सरकार आ रही है, क्योंकि आपकी जो योजनाएं रही हेल्थ से रिलेटेड और तमाम जो आपकी योजनाएं थी वो लोगों ने बहुत पसंद की, इसीलिए हमने टक्कर भी देखी और आपका वोट परसेंटेज उस तरह से नहीं गिरा आपका वहां पर, लेकिन आप सरकार नहीं बना पाए। विधानसभा से लोकसभा के आप अपने चुनाव को कितना डिफरेंट मान रहे हैं? देखिए चुनाव हमें जीतना था, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी स्कीमें ऐसे कानून राइट टू हेल्थ गिग वर्कर्स का एक्ट बना दिया हम लोगों ने, 25 लाख का बीमा दे दिया, नरेगा की तरह शहरों में काम खोल दिया हम लोगों ने, सब कुछ किया हम लोगों ने, उनकी चर्चा पूरे मुल्क में हुई, आप खुद कह रही हैं सरकार हमारी बननी थी, पर जो झूठ का सहारा लिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, चार बार मुख्यमंत्री आ गए, रोज दौरे वहीं कर रहे हैं, यहाँ रेप बहुत हो रहे हैं, डकैती हो रही है, पेपर लीक हो गए, पेपर लीक तो आप यूपी में कितने हो रहे हैं, गुजरात में कितने हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में कितने हो रहे हैं, जाएंगी सरकार हैं। ऐसा माहौल बनाया गया कि 5 लाख दिए हिंदू मर गया तो कत्ल हो गया तो उसको, और मुसलमान को 50 लाख दे दिए, जो कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ था, ये सब भागे हैदराबाद उस वक्त में, और मैं सब काम छोड़ के उनके घर गया, 50 लाख का पैकेज दिया, बच्चों को नौकरी दी 2 बच्चों को, और साथ में 2 घंटे मुजरिम पकड़ लिए हमने, वो मुजरिम भाग सकते थे नेपाल के अंदर, दंगे बढ़ गए थे वहां पर, ये तो भागे वहां हैदराबाद मीटिंग करने के लिए, जो हमारे वहां के लोकल उदयपुर के MLA हैं, अब गवर्नर है आसाम के, उसमें नेता प्रतिपक्ष थे मिस्टर गुलाब ने कटारिया, वो भी चले गए वहां पर। तो आप सोच सकते हो कि ये केस ले लिया उसी रात को NIA ले गए, चुनाव में उसका उपयोग किया चुनाव, उस वक्त तो कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो आप बताइए अगर वो केस पुलिस पर होता हमारे पास होता, अभी तक तो उन सलाह मिल जाते मुजरिमों को, अब उनके परिवार पूछता भी उसका हुआ क्या केस का, यानी इनके पास में केंद्र के पास में, उनको तो हमें बदनाम करना था 50 लाख 5 लाख में, और केस कुछ हुआ नहीं, लोग तो अगर केस पेंडिंग है तो आम जनता क्या समझती है कि क्यों नहीं आगे बढ़ रहा केस। तो ये इस प्रकार हथकंडे अपना करके सरकार को बदनाम करते हैं, और सरकार ने बना ली, पर अब उनका फायदा में वापस मिल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में भी वहाँ हमारे पक्ष में माहौल बना गया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, 25 में से कितनी सीटें पिछली बार? उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, पहले 5 साल की बात थी, फिर 9-10 की बात हुई, अब उसे आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि डबल डिजिट के अंदर वहाँ पर हम कामयाब हो जाए, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ये आप दावा कर रहे हैं 25 में से 25 पिछली बार बीजेपी ने ली थी, इस बार ऐसा क्या माहौल आपको लग रहा है बदला है कि आप डबल डिजिट में आ जाएंगे? बता भी आपको, हमारी स्कीम है, हमारी गवर्नेंस, 5 साल सरकार टूटने नहीं थी राजस्थान के अंदर, जबकि मध्य प्रदेश में कर्नाटक में महाराष्ट्र में कितना ऑस्टेडिंग करी इन्होंने, 50 करोड़ 35 करोड़ 10 करोड़ सब जीते गए, तो ये डेमोक्रेसी हत्या है। ये अब चाहते लोग डेमोक्रेसी कायम रहे देश के अंदर, इसलिए लोगों ने तय किया है कि सरकार को घर भेजो, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, जीत गए तो पता नहीं, मोदी जी चाहते हैं कि एक नेता हो देश में और एक पार्टी सरकार हो, जो कल केजरीवाल बोला है दिल्ली के अंदर वही बात है। तो आप समझ सकते हैं, हमें बहुत समझ करके जनता समझ गई है, इसलिए आज अमेठी में रायबरेली में हवा चल रही है कांग्रेस की,
पांच साल स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया, यानी जनता को धोखा दिया है। 14 से 19 तक जो पीरियड था जो हार गए थे चुनाव, तब उसने भ्रम फैलाया राहुल के खिलाफ में। एक बार कामयाब हो गई, 19 में हवा चली मोदी जी की। अब आप बताइए 5 साल में क्या किया है विकास के। वो केंद्रीय मंत्री है, बड़ा पोस्ट है उनके पास में। वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, वो कुछ भी कर सकती थी, करवा सकती थी मोदी जी से, केंद्र सरकार के मंत्रियों से जो उनके कलीग होते हैं। पर यहाँ सिविल आईडी चली गई, कृषि का कोई था वो चला गया, अस्पताल बंद हो गया। मैं सुनता हूँ यहाँ तो कई लोगों में रिएक्शन है, किसी क्षेत्र में चले जाओ, 5 में से 5 विधानसभा क्षेत्र आता है अमेठी के अंदर और 5 आता है रायबरेली के अंदर। कहीं जाओगे आपको पब्लिक खुद जो है, कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, हमारा अपना परिवार का आदमी है, यहाँ की पब्लिक आप एक ही बात कहेगी, इतना रिएक्शन है लोगों, जनता खुद ही रिएक्शन लड़ रही है। इसलिए मैंने कहा आपको आखिरी सवाल आपसे, पूरे देश में आप किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, आपको क्या आपको मोदी जी को धन्यवाद नहीं करना चाहिए कि आपके घोषणा पत्र का प्रचार कांग्रेस से ज्यादा उन्होंने किया है। लोगों ने भी पलट कर देखा कि भाई कहाँ है तमाम बातें जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और शायद इतनी चर्चा किसी के घोषणा पत्र की मैंने नहीं देखा अपने 20 साल के पत्रकारिता के अनुभव में कि इतनी बात हुई हो। तो आपको क्रेडिट इस बात का, धन्यवाद आपको मोदी जी को देना चाहिए। ये बात ठीक कह रही, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि मोदी जी ने खुद का घोषणा पत्र भूल गए, वो उनको पब्लिक को बताना चाहिए था, मेरे मैनिफेस्टो में वादे किए हमने पब्लिक से, वो तो भूल गए। कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेके पोस्टमार्टम करते, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आ गया है, इन मैनिफेस्टो में तो मंगलसूत्र ले लेंगे आपका, तो पाकिस्तान आ जाएगा पिक्चर के अंदर आ जाएगा मंगलसूत्र, और आपके घर में एक्सरे होगा, वो सब धन इकट्ठा करके बांट देंगे उन लोगों के बच्चे पैदा जाया करते हैं। दो भैंस ले जाएंगे आपकी, तो क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई ये पोल क्या रहा प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री बड़ी हस्ती होते, देखो वो तो मॉडल होता देश का, आम जनता का भी, उनसे लोग सीखते हैं, नई पीढ़ी सीखती है। भैया उल्टा मामला हो रहा है कि अडानी अंबानी आ गए। अब अडानी अंबानी ने मान लो पैसा दिया है, आप आरोप लगा रहे हो, तो मेरे हिसाब से मोदी जी भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जैसे राहुल जी पे हुआ मुकदमा दर्ज जयपुर में, दिल्ली में, कि उन्होंने कहा भाई महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मैंने देखा है मेरी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। तो दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, कौन के घर पे उनके बयान लेने के लिए, बताओ कौन कौन महिला आपको मिली है, क्या आरोप लगाया उन्होंने, किस पे लगाया है, हम आगे बढ़े उनको पकड़ने के लिए, ठीक है ना। सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, मैंने भी कहा आपको 125 करोड़ की बात की उन्होंने, 120 करोड़ की मुकदमा दर्ज हो गया। तो उसी ढंग से मुकदमा दर्ज हो सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीआई, मोदी जी पूछे, मोदी जी को बताओ भाई आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, क्या टैक्सी में टेम्पो में भर भर के पैसे गए हैं, बोरों में भर भर करके काला दिन जा रहा है, इतना बड़ा आरोप लगा दिया। और मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोलना बंद कर दिया, वो तो सच्चे नहीं है, जरूर बोल रहे हैं अडानी के बारे में, तो वो बात तो होगी फिर उनकी। अब वो बताए भाई काला धन कहाँ से आया, कहाँ रवाना हुआ, कहाँ पहुंचा है, तो पुलिस कम से कम सीबीआई इनकम टैक्स आगे कार्रवाई कर सके। तो मौका दिया, मैं कहूंगा कि ये मुकदमा दर्ज हो और उनसे पूछताछ करे। लास्ट सवाल बस आपसे मेरा, आप नैरेटिव की बात कर रहे थे कि विधानसभा में मोदी जी ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, उन्होंने सरकार बनाई, वो नैरेटिव तो वो फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाकर मंदिर जा रहे हैं, वो फिर से वो तमाम बातें कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप अपना नैरेटिव कैसे बना पाएंगे। आपको अब लोगों का सच्चाई सामने आ चुकी है, लोगों का मानस बदल चुका है, समझ गए कि झूठ का सहारा ले लेकर के धर्म के नाम पर जाति के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी। अब जो आप बोल रहे हो ना, कितनी बातें बोल दे वो पब्लिक को असर नहीं पड़ने वाला, पब्लिक तय कर चुकी है इंडिया गठबंधन की सरकार को लाने के लिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तो अशोक गहलोत जी थे हमारे साथ और तमाम उन्होंने सवालों के बेबाक यहां पर जवाब दिए हैं, उन्होंने अपनी तमाम बातों को यहां पर रखा है। उनका कहना है कि जिस तरह के मोदी जी ने बयान दिए हैं खासतौर पर ईडी और कि किस तरह से अडानी अंबानी जो हैं वो बोरे भर भर के पैसे और टेम्पो में पैसे जो है वो कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस जो है ये राहुल गांधी अब उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पर केस होना चाहिए। प्रभारी बनकर यहां पर आए हैं, संगठन की अभी मीटिंग की है, 2 दिन से यहां
यहाँ पर हैं, देखना ये होगा कि उनके यहाँ से प्रभारी बनने के बाद अमेठी में क्या कुछ बदलाव आता है और जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है जिसको मजबूत करने के लिए, जिसमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, उसका कितना असर मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि ये विधानसभा भले ही हार गए हों लेकिन लोकसभा में उन्होंने कहा है कि पहले हमें लग रहा था शायद 8-10 सीटें, लेकिन फिलहाल हमें लग रहा है कि हम डबल डिजिट तक पहुंचेंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस है या इनका ओवर कॉन्फिडेंस है, ये 4 जून को तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी।